बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरत है और चंद आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरत के पढ़ने से ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके तमाम बिगड़े काम संवरते चले जाएंगे, रुकावटें ख़त्म होती जाएंगी, राहें हमवार होती जाएंगी। ये कुरान पाक की सूरत सूरह इखलास है और इसको आपने जिस तरीके से पढ़ना है वो मैं सारा तरीका आपको तफसील से समझाऊंगी और इस सिलसिले में एक छोटा सा मुशाहिदा भी आपको बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका जो एतमाद है इस वजीफ़ा पर मज़ीद बढ़ जाएगा। आपने सबसे पहले तो ये सूरत जो पढ़नी है ये सर पे हाथ रखने से ये अमल शुरू होगा और आखिर तक कैसे जाएगा ये मैं वीडियो के आखिर में सारा आपको डिटेल से बताऊंगी। ये अमल बताने से पहले मैं आपको एक खातून का छोटा सा मुशाहिदा बताना चाहती हूँ। वो फरमाती हैं कि शादी के चंद साल तो मेरे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर यकदम जैसे नज़र लग गई और मेरे शोहर का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। मैं, मेरे शोहर और मेरे बच्चे, हम सब बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए। घर में हमें जादू और नहुसत का जो है एहसास होता था। हमने घर में कई बार खून के कतरे भी गिरते हुए देखे। इस सारी सूरत हाल से मैं और मेरे शोहर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। मैंने दर्स में सर पर हाथ रखकर कुल हुवल्लाह पढ़ने का अमल सुना था। इस अमल ने मेरे दिल पर बहुत गहरा असर किया और मैंने इसको करने का सोचा। मैंने इस अमल को किया। इस अमल को अभी करते हुए कुछ ही अरसा गुजरा था कि हालात संवरना शुरू हो गए, ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो गई, हमारे सर पर जो कर्ज़ था वो उतरना शुरू हो गया, मेरे शोहर का कारोबार बहुत बेहतर होना शुरू हो गया, यकदम जैसे हालात ख़राब हुए थे यकदम हालात बदलना भी शुरू हो गए और बहुत ही अच्छे होना शुरू हो गए। इस अमल को करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने सर पर हाथ रखना है और जैसा कि सूरह इखलास में अल्लाह पाक की वहदानियत का ज़िक्र है, अल्लाह पाक के बेनियाज होने का ज़िक्र है, अल्लाह पाक का किसी का मुख्ताज ना होने का ज़िक्र है, अल्लाह का एक होने का ज़िक्र है और उसके औलाद होने या किसी किस्म के शरीक होने का, किसी के शरीक ना होने का जो है वो सारा आपने तसव्वुर करना है। और जब आप सर पे हाथ रखेंगे इन सारे तसव्वुरात के साथ तो फिर आपने सर से हाथ जो है हटा देना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने सर पे हाथ रख के अल्लाह ताला का यकीन जो है वो अपने अंदर पुख्ता करना है। क्योंकि जब आप यही कहेंगे कि अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जो होगी वो खालिस्तन अल्लाह ताला से ही मांगना होगी। जब आप सर से हाथ हटा देंगे तो फिर आपने 300 बार सूरह इखलास हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से आप खुद देखेंगे कि रिज़्क के दरवाज़े आप पर खुल जाएंगे, आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी अहादीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 300 बार सूरह इखलास पढ़ना साबित है, जिसके पढ़ने से रिज़्क के मसाइल जो हैं बहुत जल्दी हल होते हैं और जब रिज़्क के मसाइल हल होंगे तो दूसरे मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जब सर पर हाथ रखकर आप ये सूरत इखलास का अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरत, ये अमल आपका नसीब बदल कर रख देगी, आपकी तकदीर बदल कर रख देगी, सुभान अल्लाह। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।